तो बच्चों आज हम क्लास फोर्थ की जो इंग्लिश है उसका जो चैप्टर है लद्दाख द लैंड ऑफ पासेस। पास कहते हैं दरों को जो तंग 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 रास्ते हों, पहाड़ों के बीचों बीच जो रास्ते हों तंग, क्या हों, जैसे हमारे यहाँ से ऊपर जाते हैं ना तो बीच में से रास्ता है, पहाड़ों के दरमियान में से एक तंग रास्ता है, उसको बोलते हैं पास, दर्रा, क्या बोलते हैं। तो लद्दाख जो है हमारे स्टेट का एक डिवीज़न है, एक हिस्सा है। तो हमारे स्टेट के कितने हिस्से हैं, अभी मैंने जो आपको बताया है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कितने हिस्से हैं, तीन, कितने, तीन हिस्से हैं, एक हो गया कश्मीर और हो गया एक जम्मू और हो गया लद्दाख। तो इसी तरह से अब आगे हम पढ़ेंगे इसको। वेल चिल्ड्रन यू हैव हर्ड ऑफ लद्दाख, बच्चों आप सुन चुके हो किसके बारे में, लद्दाख के बारे में। इट इज़ इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू व कश्मीर में है, ये जम्मू कश्मीर जो हमारा स्टेट है उसके अंदर है। शाबाश, लेट अस रीड अबाउट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। ब्यूटीफुल कहते हैं खूबसूरत को, चलो हम, लेट अस हो गया चलो हम पढ़ें इस खूबसूरत जगह के बारे में। इट इज़ अमंग द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड, ये सबसे खूबसूरत, मोस्ट हो गया सबसे ज़्यादा, ब्यूटीफुल हो गया खूबसूरत जगहों में से है दुनिया में, ये दुनिया में सबसे खूबसूरत जगहों में से एक जगह है। विच मेक्स इट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट, जो इसको एक खूबसूरत जगह बनाता है, जो इसको खूबसूरत जगह बनाता है, टूरिस्ट सैलानियों की जगह, जो एक इसको सैलानियों की जगह बनाता है, यानी कि इसकी खूबसूरती की वजह से सैलानी वहाँ आते हैं, सैर करने लोग आते हैं। टूरिस्ट कहते हैं सैलानी को, टूरिस्ट किसको कहते हैं, मैं यहाँ लिखूँगा टूरिस्ट। सैलानी, तो अब जो है इट इज़ सिचुएटेड एट 3513 मीटर, सतह समुंदर से ऊंचा है लद्दाख जो है, कितना ऊंचा है, 3513 मीटर, कितना ऊंचा है, 3513 मीटर ऊंचा है, किस सतह समुंदर से ऊंचा है। लद्दाख हैज़ फोर माउंटेन रेंज, इसके चार पहाड़ी सिलसिले हैं, कितने पहाड़ हैं इसको लद्दाख में, चार पहाड़ी चोटियां हैं या पहाड़ी सिलसिले हैं, कितने पहाड़ी सिलसिले, कौन कौन सा, द ग्रेट हिमालयन, द ग्रेट हिमालयन और है द ज़नस्कार, द ज़नस्कार, द लद्दाख, द लद्दाख एंड द कराकोरम, एंड द कराकोरम, अब कितने पहाड़ी सिलसिले हैं इसमें, चार, कौन कौन से, द ग्रेट हिमालयन, द ज़नस्कार, द लद्दाख एंड द कराकोरम, एंड द कराकोरम। अब जो है अब इसका याद रखना, चार पहाड़ी सिलसिले, कितने पहाड़ी सिलसिले, चार, अब मैंने आपको यहाँ पे लिखा है चार पहाड़ी इसके सिलसिले हैं जो इसके गुजर रहे हैं, इसके बीचों बीच गुजर रहे हैं, जो इसके बीचों बीच गुजर रहे हैं। अच्छा, इट इज दियर हाइट वेरीज बिटवीन 2500 मीटर टू 7500 मीटर, अब इसकी ऊंचाई जो है, हाइट किसको बोलते हैं, ऊंचाई जो है ये 2500 से लेकर 7000 तक इसमें फ़र्क है, आपस में क्या है इनको, जो इसकी चोटियों में फ़र्क है, 2500 से मीटर से लेकर 2500 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक, 2500 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक, कितनी 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 इसमें फ़र्क है, ये इसमें 7000 मीटर तक। द हाइस्ट माउंटेन इन लद्दाख, सबसे ऊंचा जो पहाड़ है लद्दाख के अंदर उसको, उसका नाम है जो, उसका नाम है सासिर, क्या क्या है नाम उसका, सासिर माउंटेन, क्या नाम है, सासिर माउंटेन, विच इज 7023 मीटर, जो 7023 मीटर, 23 मीटर है, 7023 मीटर, द हाइस्ट हो गया सबसे ऊंचा, द हाइस्ट माउंटेन इन लद्दाख इज द सासिर माउंटेन विच इज 7023 मीटर हाई, जो 7023 मीटर ऊंचा है, 7023 मीटर ऊंचा है, ऊंचा है। द वैली ऑफ लद्दाख सिट्स इन द लैप ऑफ हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स, जो लद्दाख की वैली है, जो लद्दाख की है, जैसे ये क्या है, ये पहाड़ों से, इसकी इसकी जो पहाड़ों की चोटियां हैं ये बर्फ़ से ढकी हुई रहती हैं, बर्फ़ से ढकी हुई रहती है, यानी कि इसमें इसमें बर्फ़ रहती है, ये जो ऊंची पहाड़ियाँ जो हैं इसकी, ये बर्फ़ से ढकी हुई है, ये बर्फ़ से ढकी हुई है, जो लद्दाख की पहाड़ियाँ हैं ये बर्फ़ से ढकी हुई है, जैसे ये बर्फ़ की
बर्फ की जोली में बैठी हैं, जैसे ऐसे जोली में बैठी हुई है। तो इस तरह से आपने आज यहाँ तक पढ़ा। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर, दुनिया का वर्ल्ड हो गया, दुनिया का वर्ल्ड क्या हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर, दुनिया का सबसे बड़ा जो बर्फ का पहाड़ है। ग्लेशियर किसको बोलते हैं? बर्फ का पहाड़, बर्फ का पहाड़, उसको बोलते हैं ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? कॉल्ड सियाचिन, उसको उसका नाम है सियाचिन। जो दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का पहाड़ है वो लद्दाख में है, उसका नाम है सियाचिन। क्या नाम है? सियाचिन। एडस टू द ब्यूटी ऑफ दिस अमेजिंग लैंड, वो और इस लद्दाख की खूबसूरती को और बढ़ाता है, लद्दाख की खूबसूरती को और बढ़ाता है, लद्दाख की खूबसूरती को और बढ़ाता है। तो आज बच्चों आपके लिए इतना, ये मैं आपको पढ़ा चुका था, आज दोबारा आपको रिवीजन किया, तो आज के लिए आपको इतना ही, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी वसलाम।